हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार से सेशन लाइव हो जाए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, ऑलराइट, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज तारीख है 16 अप्रैल और आज है हनुमान जयंती भी, तो हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं भी एक बार शेयर कर दूँ, जानते ही हो आधे बच्चा विल वेट कि मैम विल शेयर देन आई विल कम लाइव टू द सेशन है। चलिए, तो इसको एक बार इसे शेयर मैंने कर दिया और आप भी एक बार से इसको शेयर कर दिया करिए। ओके, आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो आपका करेंट अफेयर्स का पूरा सेशन होता है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके मिलेगी। स्टैटिक जीके के साथ साथ जहाँ पे भी एनालिसिस है, जहाँ मैपिंग है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। खंबागढ़ी, वेरी गुड मॉर्निंग। बुद्धिराम, सनायका, सौरभ, वैशाली, मिष्ठू, रोहित, राजवंशी, वेरी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र, ये बताओ राजस्थान की धरती से मुंडी पटक के प्रणाम, ये कौन से टाइप का प्रणाम होता है? मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था ये, तो मुझे लगा विक्की से पूछ ही लेते हैं हम। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। रौनक, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए, अच्छा, शुरुआत करते हैं यहाँ पे थॉट ऑफ द डे से और फिर चलेंगे और आगे बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। टोटल 10 न्यूज़ होंगी, जिसमें आखिरी में हम लोग PNB बैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। शुरुआत करेंगे इसराइल और यूक्रेन से, ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, इतिश्री, सागर, सुमित, मोहित, हरिकृष्णा, धूनी, पिंटू, योगेश, समर, प्रलव, वैशाली, योगेंद्र, मानवी, ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए बात करें। लुइस, गुड मॉर्निंग। सफल वे जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि, ध्यान से सुनना, सफल वो है जो अपने दुश्मनों पे नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। हमारे जो आकांक्षाएं होती हैं, हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं ना, कई बार वो इतने बड़े होते हैं कि उनको अचीव करने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये वाला काम, वो वाला काम, ये भी, वो भी, मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस में वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो प्लान ए होता है ना, वो कहीं ना कहीं धुंधला जाता है। तो लाइफ में हमेशा इस बात को ख्याल रखिएगा कि आपको यहाँ पर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है अपने लिए करना है और अपने पेरेंट्स के लिए करना है, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर लाइफ में कोई नहीं होता है। इसको हमेशा याद रखना, मेरी ये बात तो खैर हमेशा याद रखना, ठीक है। और इस एज पे और इस टाइम पीरियड पे तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चले फिर आगाज किया जाए। आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। चलिए आइए शुरुआत करेंगे। गणेश, अनुराग, चौहान, चंचल, नीरज, मलाइका, साहिल, जेरी, रोशन, वेरी गुड मॉर्निंग। टूरू, प्रतिभा, लद्दाख, ले, वेरी विश यू हैप्पी बर्थडे। बच्चा जिसका बर्थडे था मैंने नाम नहीं देख पाया, शालनी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए, अच्छा, शुरुआत करेंगे और यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ है, ओके, वन मोर थिंग, आज आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं है। खुशी के मारे नाचना अभी चालू कर देंगे, देखो कहीं बेड के ऊपर ही खड़े होकर ना नाचने लगे, फिर मम्मी कहें बेटा ठीक तो आओ। शुरुआत करें पहली न्यूज़ आपके सामने आती हुई, तो पहली जो न्यूज़ है वो है इसराइल से, और इसी के साथ में हम लोग जो दूसरे वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे वो होगी यूक्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए, इसराइल ने यहाँ पर टेस्ट किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा वाला है? वही पुराना वाला जिसका नाम था आयरन डोम। तो चलो जरा इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है। सुनिएगा, पहला पॉइंट, इसराइल नाम की जो कंट्री है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसकी जो लोकेशन है वो आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलती है। इसराइल का अगर हम वजूद की बात करें या फिर अगर हम इसको एज अ कंट्री की बात करें, तो ये कोई सालों साल पुराना या फिर मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर पुराना कोई कंट्री नहीं है। ये एक नया देश बसा था और इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है किसके साथ में? पैलेस्टीन के साथ में। किसके? पैलेस्टीन के साथ में। इसराइल का जो एरिया आप देखोगे वहां पर आपको दो डिस्प्यूटेड एरियाज देखने को मिलते हैं। एक जो एरिया है वो है गाजा स्ट्रिप, जिसे हम हिंदी में गाजा पट्टी भी कहते हैं, और जो दूसरा है उसका नाम है वेस्ट बैंक। ये दो प्लेसेस हैं जो आपको हमेशा डिस्प्यूट में देखने को मिलते हैं। अब ये जो गाजा पट्टी वाली जगह तुम देख रहे हो, यहाँ पर एक ग्रुप रहता है, यहाँ पर एक ग्रुप रहता है जो कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है इसराइल के ऊपर। क्या है? एक ग्रुप है जो क्या करता है, कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम है हमास।
क्या नाम है? हमास ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो यहाँ पर अटैक कंटिन्यूसली करता है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए इसराइल ने अपना यहाँ पर एक नया एयर डिफेंस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको डेवलप किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयरन डोम। क्या नाम है इसका? आयरन डोम। लेकिन मैम यहाँ तो लिखा हुआ है आयरन बीम, तो ये कोई दूसरी चीज है? दूसरी चीज नहीं है, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए, अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया वाला जो एरिया था वहां पे यमन की तरफ से अटैक हुआ था, अटैक किसने किया था? हौदीज के द्वारा किया गया। इसके अलावा जो लेबनन नाम की कंट्री है वहां पर भी तो अटैक होते रहते हैं, तो यहाँ पर अटैक कौन करता है? तो हिजबुल्लाह नाम का जो ग्रुप है वो यहाँ पर अटैक करता है। यानी कि हमारे काम के तीन ग्रुप हैं, एक है हमास, एक है हौदीज और एक कौन सा हो गया यहाँ पर? हिजबुल्ला। तीनों के तीनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ पे मत क्रिएट कर लेना। अच्छा, अब ये जो डिफेंस सिस्टम है इसकी खास बात क्या है उस पे आते हैं। पहली खास बात यहाँ पर क्या है कि एयर से यानी कि हवा में से अगर कोई भी चीज इस डिफेंस सिस्टम की तरफ में आएगी तो ये तुरंत से उसको उड़ा सकता है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि जब ये अपनी तरफ से अटैक करता है तो आवाज नहीं होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, जब ये अपनी तरफ से अटैक करता है तो आवाज नहीं होती, सीधे जाके वो क्या होता है? टारगेट पे जाके लगता है। बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा कि कोई सिस्टम ऐसा है जिसने किसी चीज को लॉन्च किया और वो आके अटैक कर रही है, बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं देगा। और ये तीसरा पॉइंट एंटी टैंक है, ये किसी भी टैंक को भी उड़ा सकता है। क्या है ये? एंटी टैंक है, ये किसी भी टैंक को भी उड़ा सकता है। चौथा पॉइंट जो आपको यहां से याद रखना है वो क्या है? इसमें से निकलती है लेजर लाइट, और लेजर लाइट के ही बेसिस पे ये अपनी चीजों को टारगेट करता है। समझ गए? क्या निकलती है? लेजर लाइट निकलती है, और इसी लाइट से ये क्या करेगा? चीजों को टारगेट करता है। इसीलिए इसको आयरन बीम के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कह, खुशी तो देखो, साइलेंट अटैकर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आयरन बीम के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये सब चीज़ें जो कल टेस्ट की गई हैं, तो इसका अनाउंसमेंट किसने किया? इसका अनाउंसमेंट किया गया यहाँ के नए पीएम, जिनका नाम है नेफ्थाली बैनेट। ये नाम आपके पेपर में आ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नेफ्थाली बैनेट ने यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किया। अब आप सोचेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं? अभी तो देखो ये लैंड पे दिख रहा है, तो क्या हम इसको एयर में ले जाके अटैक कर सकते हैं? हाँ, इसका एक हिस्सा है जिसे एयर में भी ले जाया जा सकता है, इसका एक हिस्सा है जिसको सी में भी रख सकते हैं। भाई साहब मल्टीपर्पज है, बात समझ रहे हो? दिस इज मल्टीपर्पज, यानी कि ये लैंड पे भी रह सकता है, ये एयर में भी रह सकता है, और ये सी पे भी रह सकता है, और ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो पेपर के अंदर ये सब बातें आए ना आए, ठीक, लेकिन एक सवाल तुम्हारे पेपर में जरूर छपेगा, और वो सवाल ये है कि इसको जो टेस्ट किया गया है ये कौन सी वाली लोकेशन है, यानी कि ये कौन सा वाला डेजर्ट है? तो लिख लीजिएगा नेजीव डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? नेजीव डेजर्ट। ये वो डेजर्ट है, ये वो मरुस्थल है जहां पर इसको टेस्ट किया गया। तो एक तरफ तो इसराइल ने इसको टेस्ट किया, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ही अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा थार्ट सिस्टम, ये जो थार्ट सिस्टम है ये किसका है? यूएसए का है। और इसको कहां पर डिप्लॉय किया गया है? साउथ कोरिया वाले एरिया पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि इनको सुरक्षा दी जा सके किससे? नॉर्थ कोरिया से। फाइन, अगर हम थार्ट की बात करें तो थार्ट में यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो थार्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड है एरिया डिफेंस सिस्टम। फाइन, दूसरा डीआरडीओ ने भी तो एक ऐसा अपना डिफेंस सिस्टम तैयार किया था, तो डीआरडीओ जो है वो भी अपना एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल। क्या नाम है इसका? इंद्रजाल के नाम से इसको जाना जाएगा। ये तो बातें एशिया की हो गई, अब हम चलते हैं थोड़ा सा यूरोप की तरफ। यूरोप में क्या चल रहा है? यूरोप के अंदर यूक्रेन ने उड़ा दिया है किसको? रशिया को। क्या पूरा? अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? यूक्रेन ने किया है अटैक रशिया के ऊपर, रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। ओ माय गॉड मैम, सुनो हुआ क्या? रशिया ब्लैक सी वाला जो एरिया है ना, वहां पे इनका एक शिप खड़ा हुआ था। कहां पर? ब्लैक सी के अंदर इनका एक शिप था।
और इस शिप का अगर हम नाम की बात, देखो नाम तो आप जानते ही हो, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? मोस्कवा। क्या नाम है इसका? मोस्कवा। ये था शिप किसका? रशिया का, ब्लैक सी के अंदर खड़ा हुआ था और ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा था किसकी तरफ? यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ। यूक्रेन को जैसे ही इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली, यूक्रेन ने इस्तेमाल की अपनी क्रूज मिसाइल, और इस मिसाइल का नाम क्या है? नेपच्यून। बस ये आएगा आपके पेपर में कि नेपच्यून नाम की जो मिसाइल है अभी हाल ही में किसने इसका इस्तेमाल करते हुए रशिया के ऊपर अटैक किया, तो आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। तो अब बात करेंगे नेपच्यून मिसाइल के बारे में। पहला पॉइंट, कहाँ पे अटैक किया है? ब्लैक सी में अटैक किया है। दूसरा पॉइंट, किसको यहाँ पे उड़ाया है? तो ये है यहाँ पर इनका शिप रशिया का, जिसको यहाँ पे अटैक किया गया। तीसरा पॉइंट, ये किस टाइप का है? तो ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ये है एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ओके, तीसरे पॉइंट पे आ जाएं। इसको डेवलप क्या यूक्रेन ने अकेले किया था? नो, जब इसको डेवलप किया गया था तो नाटो के द्वारा इसको डेवलप करने में इनकी सहायता की गई थी, सहायता किए थे, लेकिन अब जब बात आ रही मेंबर बनाने की तो कोई सुन भी नहीं रहा है, है ना? तो यहाँ पे इन्होंने इनके लिए क्या किया था? इसको डेवलप किया था। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है? तो इसके यहाँ पे रेंज याद रखिएगा 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है। पांचवा पॉइंट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आ जाएगा वो ये है कि ये क्रूज है। क्रूज का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी मिसाइल क्रूज के अंदर आती है तो हमेशा याद रखना कि उसकी जो दूरी होगी वो कम होती है, बैलिस्टिक की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्रूज ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक वाली चीज देखो धीरे से आके क्या करती है? अटैक करती है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। अगर यहाँ पे बैलिस्टिक और क्रूज में डिफरेंस पूछा जाए तो बैलिस्टिक की मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इतना है, लेकिन अगर हम क्रूज की बात करें तो क्रूज में अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ये मैक्स टू मैक्स आपको 4000 ही देखने को मिलता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 25,000 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड हो सकती है, बट अगर हम क्रूज की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा 1000 किलोमीटर पर आर तक की इसकी स्पीड हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आदो ने मारा होगा स्क्रीनशॉट, लिखा करो यार, स्क्रीनशॉट ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। पता चला बारिश हो गई, फोन ऐसे लहरा गया, बस उसी में खेल हो जाएगा। चलो, तो ये वो बातें हैं जो आपके वर्ल्ड में इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चल रही हैं। संजू पल्लवी जयश्री, ओके गुड। चलो अब आते हैं यहाँ पर अगली न्यूज की तरफ। भाई अब ये बड़ा गजब है, कोविड, है ना? सुनो, कोविड को डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसी कंपनी है जिसने अब यहाँ पर क्या किया है, एक ऐसी डिवाइस को इन्वेंट किया है कि आप ब्रीथ करोगे, आप सांस लोगे तो आपके सांस लेने के टाइम पे ही, जैसे होता है ना रात में जब पुलिस वाले चेकिंग वेकिंग करते हैं उन एरियाज में जहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग जो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन एरियाज में, या फिर देखो न्यू ईयर की रात पे, या क्रिसमस की रात पे, या होली की रात पे, या दिवाली की रात पे, देखा है ना कि एक डिवाइस होती है जो मुंह में लगाई जाती है और देखा जाता है कि इन्होंने क्या अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल वैसे ही इसको भी बनाया गया है। आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में। चलिए बताइए, FDA ये एक कंपनी है, आपको बताना है कि अभी हाल ही में इन्होंने पहला ब्रीथ टेस्टिंग फॉर द COVID-19 डेवलप किया है। ये कंपनी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? FDA का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है यहाँ पे? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। आपको बताना है कि ये कहां से जुड़ी हुई है, तो सिंपल है, इसका आंसर क्या है? यूएसए के साथ में ये जुड़ा हुआ है। आइए ये देखिए, दिस इज अ डिवाइस, ठीक है? यहां पर आप देखोगे ऑन ऑफ का सिस्टम है। अब इसमें होगा क्या, ये जो आपको चीज नजर आ रही है ये आपके लगाया जाएगा माउथ में, और उसके बाद में आपसे कहा जाएगा कि सांस लीजिए, ब्रीथ लीजिए, और ये आपको बताएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव हैं। पूरा बताएगा, मतलब पॉजिटिव हैं तो भी बताएगा, निगेटिव हैं तो भी बताएगा। कितनी देरी में बताएगा, यही तो बात है। ये बताएगा ये खतरनाक था, लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम के समय में ये आपको बता देगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसकी एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं कि कितना ज्यादा ये एक्यूरेट है। तो इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव केस इसका आता है तो ये करीबन 91% तक एक्यूरेट बता रहा है। अगर निगेटिव के केसेस की हम बात करें तो कहा जाता है कि करीबन 99.3% है कि ये अपनी एक्यूरेसी से यहाँ पर बता देता है। अच्छा ठीक है,
है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, तो ये कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं, तो एक हफ्ते में 100 इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं और एक महीने में इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए करीबन 64,000 सैंपल्स को टेस्ट किया जा सकता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया हाँ, कितने सैंपल, 64 यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बच्चा मैंने इसको ऑलरेडी चेक करा लिया है, ये कुछ ऐप का ही इशू है या फिर इनके यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है, मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर चेक करा ली है, ठीक है। मुझे भी पता है कि दिक्कत बीच बीच में होने लगती है, बीच बीच में थोड़ा सा बफरिंग जैसा हो रहा है, बट इन्होंने आज तक का टाइम दिया था तो दे आर चेकिंग, तो एक बार से आज और थोड़ा सा है, उसके बाद में कल से ही पूरा प्रॉपर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला ऐसा है जिसको क्रिएट किया गया है, जिसका नाम क्या है, FDA के नाम से इसको जाना जाएगा और ये USA की एक कंपनी है जिसने यहाँ पर इसको टेस्ट करके डेवलप किया है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब बात करेंगे किसके बारे में, कोविड के बारे में। आइए जानते हैं कोविड, इसका जो नामकरण है ना वो कैसे हुआ। इसका जो नामकरण है वो ऐसे हुआ कि इसका जो शेप था उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल रहे थे, स्पाइक्स मिल रहे थे जो कि कैसे थे, क्राउन के शेप के थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, कोरोना या फिर कोविड रखा गया। अगर हम कोविड की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला केस पाया गया था वो केरला के अंदर था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहली जो डेथ हुई थी वो कर्नाटका के अंदर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बार अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक फंगस नाम की डिजीज हुई थी, ब्लैक फंगस नाम की जो डिजीज हुई थी इसके लिए भी एक्शन जो लिए गए थे वो सबसे पहले हरियाणा के अंदर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि कोविड के लिए प्लाज्मा थेरेपी, क्या चीज, प्लाज्मा थेरेपी, ये प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले ये दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया गया था। अगला पॉइंट, कोविड के पेशेंट्स के लिए ही DRDO के द्वारा एक हॉस्पिटल डेवलप किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर दिल्ली के अंदर ही, और ये भी जो हॉस्पिटल था ये कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था, 12 दिनों में बन के तैयार हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं, ये देखो ये स्पाइक्स की बात कर रहे थे, ये देख रहे हो, इसे कहते हैं क्राउन, इनका क्या है, ताज है ये। ऑनलाइन आइए बताइएगा, पहला सवाल, सवाल में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये बताओ कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई भी पर्सन क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है तो उसको बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा थेरेपी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लाज्मा थेरेपी, ये याद रखिएगा, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अगला सुनिएगा, सबसे पहला व्यक्ति जिसको वैक्सीनेट किया गया था, तो एम्स के अंदर आपको सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, मनीष, इनको सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी। अगला सुनिएगा, कहा जा रहा है कि ये जो कोविड है या कोरोना है ये किसी ना किसी जो बीमारी है ना उसी का तो कॉम्बिनेशन है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो पहला सार्स का है और दूसरा मर्स का है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको यहाँ पर कोरोना या फिर कोविड देखने को मिलता है। अगला सुनिएगा, डेल्टा नाम का जो वेरियंट है ये कहाँ पर देखने को मिला था, तो ये सबसे पहले ब्राज़ील के अंदर देखने को मिला, फिर इंडिया में भी आया, इंडिया में तो डेल्टा प्लस भी हो गया। अगला, इनएक्टिव वैक्सीन एंड एक्टिव वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन की अगर आप बात करोगे तुम बताओगे, हम नहीं बता रहे, एक्टिव हम बताते हैं, दैट इज कोवैक्सीन। कौन सी है, कोवैक्सीन। अभी हाल ही में WHO ने इसके प्रोडक्शन के ऊपर बैन भी लगाया था। WHO अपना हेल्थ डे कब मनाता है, 7 अप्रैल को मनाता है। आर प्लैनेट आर हेल्थ ये यहाँ पे इसकी थीम को रखा गया था। इनएक्टिव वैक्सीन कहाँ रह गए, कोविड शील्ड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, चलो करेक्ट है। यहाँ पर अगले पे आते हैं, अगला है डीआरडीओ की अगर हम वैक्सीन की बात करें तो डीआरडीओ की वैक्सीन कौन सी हो जाएगी, ये है 2DG वैक्सीन, ये यहाँ पे डेवलप की गई और ये पाउडर्ड फॉर्म में है। ये कैसी है, पाउडर्ड फॉर्म में है जिसको डेवलप किया गया था। 3 डोज वाली वैक्सीन कौन सी है, साइडस है, कौन सी, जाइडस है। और ये जो वैक्सीन है ये किसके लिए अप्रूव की गई थी, बच्चों के लिए इसको अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट पे आइएगा, बताइए
हुबी प्रोविंस कहाँ पर लोकेटेड है? हुबली नहीं लिखा हुआ है, हुबी प्रोविंस लिखा हुआ है। ये कहाँ है? ये है वुहान वाली जगह, कहाँ पर? चाइना के अंदर, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहला कोविड का केस या फिर कोरोना का केस आपको देखने को मिला था। अगला ब्राजील, ब्राजील के अंदर कौन सी बीमारी मिली थी? दैट इज जीका वायरस। कौन सा है? जीका वायरस। ऐसा नहीं है कि इसके केसेस इंडिया में नहीं मिले थे, इंडिया में भी मिले थे, बट सबसे पहली बार इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो ब्राज़ील से ही होती है। अगला सुनिएगा, निपा वायरस। निपा वायरस इंडिया की हम बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो हम इंडिया की बात करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र, केरला, इन दोनों जगह पर इसके जो केसेज हैं वो देखने को मिले। और ये होता किससे है निपा वायरस? निपा वायरस होता किससे, ये बताओ। हाँ, फ्रूट बैट, पक्का? बिल्कुल सही है, किससे होता है? फ्रूट बैट से होता है, ये याद रखना। ओके, अगला क्या है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। इसके जो केसेस हैं वो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिले और सबसे ज़्यादा मेघालय और अरुणाचल के अंदर आपको इसके केसेस देखने को मिले थे। उसके बाद में मणिपुर में भी हुआ, आसाम के अंदर भी केसेस मिले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और अगला क्या है? वर्ल्ड आर्ट डे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि कलाकार हैं? हैं नहीं, कलाकार तो और कोई होता है, ये वाली कला के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए, सवाल, इनमें से कौन सा डे ऐसा है जिसे हम वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 15th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो समझते हैं कि क्यों मनाते हैं। पहला पॉइंट, इसका आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे जागरूक किया जाए और जितने भी यूथ हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि वो आर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। आर्ट में भी वो ड्रॉ करें क्या? द पॉइंट इज, आर्ट में भी वो ड्रॉ करें क्या? कुछ भी ड्रॉ कर देना आर्ट थोड़ी ना होती है। जब आर्ट बनाएं तो आर्ट में क्या ड्रॉ करें वो दिखाएं दो चीज़ों को। क्या क्या दो चीज़ें हैं? पहली है यूनिटी, पहली क्या है यहाँ पे? यूनिटी को दर्शाएं। और दूसरा यहाँ पे बोला है कि भाई इस तरीके की आपकी पेंटिंग होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने भी कल्चर हैं उनमें जो भी डाइवर्सिटी है उन सब के बीच में क्या दिखाना है हमको? एकता दिखानी है, यानी कि यूनिटी दिखानी है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला, यूनिटी को मेंटेन रखना है। दूसरा बोला गया है कि जितने भी कल्चर्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को हमें यूनाइट करना है, यानी कि यूनिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी यूनाइटी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके लिए ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि मैम 15 को ही क्यों मनाते हैं, किसी और तारीख को क्यों नहीं मनाते? तो पहला पॉइंट तो यहाँ से ये है कि इसका जो आयोजन है वो 15 तारीख को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये होता है किसी का हैप्पी वाला बर्थडे। किसका होता है वो तुम आंसर करोगे, ठीक है। चलो, तो ये 15th को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका आयोजन होता है क्योंकि ये होता है किसी का हैप्पी वाला बर्थडे। इसका आयोजन कौन करता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ये है क्या? एक एनजीओ है जो इसका आयोजन करती है। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार इसको 2012 में बनाया या फिर सेलिब्रेट किया जाता है। ये हैप्पी बर्थडे होता है मोनालिजा पेंटिंग किसने बनाई थी? मैंने कहा दिखा दे मोनालिजा पेंटिंग, वरना कहोगे कि पूरी कहानी मैम पढ़ा दी और मोनालिजा दिखाई नहीं। तो ये है मोनालिजा आंटी जिनकी पेंटिंग बनाई गई थी, किसके द्वारा? उन्हीं का हैप्पी बर्थडे होता है इसी सेम डे पर। और वो अंकल कौन है? लियोनार्डो दी विंसी। क्या नाम है? लियोनार्डो दी विंसी। इनकी ये जो पेंटिंग बनाई है ये पूरी दुनिया में फेमस है। तुम कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया में भी अगर तुम किसी के घर में चले जाओ, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के नहीं जो लोग होते हैं, मतलब लाइक IAS and IFS टाइप के लोग, उनके घरों में भी मिलेगी और ऐसा दिखाएंगे जैसे कि ओरिजिनल पेंटिंग है, अभी अभी ये बना के गए, समझ रहे हो? तो ये वही वाली पेंटिंग है, देख लो आराम से। खुश हो लिया? चलो आगे, खुश तो हो लिया और आगे कहेंगे हाँ हमारी भाभी माँ से ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे पता है यही सोचोगे। चलो आगे आ जाओ, बताना शुरू करिएगा। पहला, जलियांवाला बागकांड। आप सभी लोगों को पता है जलियांवाला बागकांड की अगर हम बात करें तो 13th of April 1919 को ये क्या होता है? कांड होता है। और अगर पूछा जाए कितने साल पूरे हो गए तो 103 इयर्स इसको कंप्लीट हुए हैं। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब के अंदर। ये ध्यान रखिएगा कि एक मेमोरियल भी बनाया गया,
एक मेमोरियल भी बनाया गया है अमृतसर के अंदर ही। अगला नाम है बी आर अम्बेडकर जी का। अगर हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो 14th ऑफ अप्रैल को इनका बर्थडे होता है और 6th ऑफ दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। अगर कहा जाए कि ये जो 14th ऑफ अप्रैल इनका बर्थडे है तो इस दिन पर कोई स्टैचू पढ़ाए थे ना तुमको, हम मैंने आपको पढ़ाया था महाराष्ट्र के अंदर लातूर नाम की जो जगह है वहां पे इस स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है उसको लॉन्च किया गया है और ये कितने फीट का है, 70 फीट का आपको ये मिलेगा। इसी के साथ में तमिलनाडु ने भी कल कुछ अनाउंस कर दिया है। तमिलनाडु ने बोला है कि हम 14th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट करेंगे इक्वालिटी डे के रूप में। ये लीजिए एक और दिन आता हुआ, इक्वालिटी डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। इक्वालिटी से मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट बी आर अम्बेडकर, तो इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जाएगी। अगर हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछ लें, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद के अंदर है। और किसका स्टैचू है ये, तो श्री रामानुजन जी का स्टैचू है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 216 फीट की यहाँ पर इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी। तो ये बातें पता होनी चाहिए। अगला सियाचिन डे, कौन सा था, सियाचिन ग्लेशियर वाला जो डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब होता है, तो पहला पॉइंट 38 नंबर का ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, कब, 13 अप्रैल को। ये जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है इसके आसपास आपको कौन सी रिवर मिलती है, तो नुब्रा वैली है, यानी कि नुब्रा नदी आपको यहाँ मिलेगी। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। अगला सुनिएगा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये कब मनाते हैं, तो इसको 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पूछा जाए किसका बर्थडे है, तो सैम्यूल अंकल का हैप्पी वाला बर्थडे है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आओ। ये क्या है, सीआरपीएफ, क्या है यहाँ पर, सीआरपीएफ, इनका भी जो डे है वो सेलिब्रेट होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका वेलोर डे है, यानी कि इनका जो साहस का दिवस है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इस तारीख को। और इस बार 57th नंबर का वेलोर डे सेलिब्रेट किया गया, कौन सी तारीख को, 9 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट पे आइए, अगली न्यूज। हाँ भाई हिमाचल वालों, रोहित आया है क्लास में कि नहीं आया है, चलो तुमको हिमाचल की हंसी वादियों में घुमा के लाते, बड़े अच्छे से मतलब बैठ के थोड़ा फील लेते हुए चलना। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला सवाल क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे किस दिन मनाया जाता है, सिंपल है, कल ही था। अगर पूछा जाए 9th ऑफ नवंबर, यह है उत्तराखंड, फिर है 24th ऑफ जनवरी, यह है यूपी, अगला है 21st ऑफ जनवरी, ये हम नहीं, ये आप बताएंगे नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट होता है। चलो ये रहा हिमाचल प्रदेश, तो चलिए हिमाचल के बारे में बातें शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, एक्चुअल में क्या है कि हिमाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, कब, 1948 में, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1971 को एक इसको राज्य का दर्जा दिया गया, फुल फ्लेश्ड स्टेट का दर्जा दिया गया। जब इसको राज्य का दर्जा दिया गया तो उस समय पर इसके सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, कितने, 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, जिसमें से 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक है मंडी और एक है चंबा। चंबा कितनी दूर है, ये वाला गाना सुना है, ये बहुत ही फेमस यहाँ का फोक सॉन्ग है, कभी मौका मिले तो सुनिएगा। तो मंडी एंड चंबा, ये 2 प्लेसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, इसको जब राज्य का दर्जा दिया गया तो ये कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये 18th नंबर का स्टेट यहाँ पर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय पर इसकी कैपिटल क्या थी, एक ही कैपिटल थी, दैट इज शिमला। अभी के टाइम पर देखोगे तो जो धर्मशाला है वो भी आपको इसकी कैपिटल के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये तो देखो इसकी बात हो गई, लेकिन यहीं पर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कालका शिमला रेलवे, जिसे हम टॉय ट्रेन कहते हैं, जिसे हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं, ये जो टॉय ट्रेन है ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर हिमाचल से सबसे पहली साइट थी, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर हिमाचल से सबसे पहली साइट थी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे बात करेंगे हिमाचल के बारे में कुछ और बातें। पहला पॉइंट, हिमाचल जो है ये सबसे पहला स्टेट बना था जिसने अपना पेपरलेस बजट जो था वो रिलीज किया था,
दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा कि अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो भी जीती गई किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही इसको जीता गया था। यहाँ के सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा, यही का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, स्नो लेपर्ड। क्या है, स्नो लेपर्ड। और इसी जगह पर आपको मिलेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, नेशनल पार्क। सबसे पहला पिन वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलता है, दूसरे की बात करोगे तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, ये आपके पेपर में आया था, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ अभी हाल ही में कांगड़ा टी इसको जीआई टैग दिया गया है, जी हाँ यूरोपियन कमीशन के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंबा की चप्पल को भी तो जीआई टैग मिला हुआ है, भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ पे चप्पल आई है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल ही याद रहती है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज चंबा क्या चप्पल, इसको भी जीआई टैग कहाँ मिला है, हिमाचल प्रदेश के अंदर मिला हुआ है। अगला क्या है, हींग की खेती सबसे पहली बार कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से इसको शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए है वो है अटल टनल। क्या है, अटल टनल, जिसको हम रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं, तो इसका डिस्टेंस भी इतना हो जाएगा। अगर तुमसे गलती से सवाल को थोड़ा टफ बना दिया गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे अटल टनल जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज पे है, तो ध्यान रखना पीर पंजल का ईस्टर्न पार्ट और धौलाधर का कौन सा वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है, चलो अच्छा अब आते हैं यहाँ पे और बाकी सवालों की तरफ, बताना शुरू करो। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दर्जा दिया गया था कब, ये भी तो पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश ही था ना, तो इनको राज्य का दर्जा मिला। आगे आइए, अगला है आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट, तो पहले तो ये याद रखोगे, लेकिन इसको बाद में एक बार फिर से जब स्टेट बनाया गया तो ये ईयर कौन सा है, 1956 का है। अगला बिहार, बिहार को आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अलग से राज्य 1912 में बनाया गया, बट इंडिया के साथ में जब यूनाइट किया गया तो वो टाइम पीरियड क्या था, 26 ऑफ जनवरी 1950। अगला सवाल, गोवा की बात करोगे तो इनका जो डे है वो 30 मई है। क्या है, 30 मई, ईयर सेम रहेगा यहाँ पे, 30 मई ईयर क्या हो जाएगा, ईयर यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट पे आइए दिल्ली, दिल्ली को कैपिटल का दर्जा कब दिया गया, 1911 में दिया गया, और ये ध्यान रखना इसको नेशनल कैपिटल रीजन के लिए जो एक प्रस्ताव आता है, जो एक बिल आता है, ये आता कब है, इस ईयर में आता है, और इसको यहाँ पे दर्जा कब मिला, 92 में। ओडिशा बताओ, 1936 में इसको बनाया जाता है, और ये ध्यान रखना कलिंगा इसका पुराना नाम हुआ करता था। अगला हो गया झारखंड, झारखंड कब बनेगा, 15 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया। अगला है एमपी, एमपी का तो सेम है, 1956 में एमपी को राज्य का दर्जा दिया जाता है, तारीख जो है वो 1 नवंबर ही रहेगी, और यही सेम डेट जो है ये कर्नाटका के लिए भी है। ठीक है, यही सेम डेट जो है ये आपको कर्नाटका के लिए भी देखने को मिलेगी, तो इतनी बातें जो है वो आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। चलो, ओहो हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो, ये पिक्चर देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। जी हाँ, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये पिक्चर देख के आपके दिमाग में फटाक से कुछ आना चाहिए कि वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री इन्होंने मुलाकात करी थी अमित शाह जी के साथ में, और एक स्कीम को लॉन्च करने के लिए इनको पैसा चाहिए था। याद आया, नहीं याद आया, आओ याद दिलाते हैं, बताइएगा। देखो, रशिया ने ऑफिशियली बोल दिया है कि वो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करेगा, पता नहीं बेटा अभी सुबह तक तो नहीं ऐसा कुछ था, क्लास शुरू होने के बाद अगर कुछ हुआ हो तो अभी कह नहीं सकते, वो तो देखना पड़ेगा हमको। चलिए अच्छा आइए सवाल पे, सवाल हिम प्रहारी योजना, अभी हाल ही में इसको कहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए फंड की जरूरत थी, इससे ये लॉन्च नहीं हो पाई थी, लेकिन अब क्या हो गया, इसको फंड मिल गया है और ये लॉन्च की गई है कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। कहाँ इसको लॉन्च किया गया, उत्तराखंड के अंदर इसको लॉन्च किया गया। आइए जरा बात करते हैं, बताइए क्या है ये योजना। तो पहला पॉइंट तो क्या है, इस योजना का नाम है हिम प्रहारी। ठीक है, अब सुनो इस योजना में क्या बोला गया है,
इस योजना के अंदर बोला गया है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जितने भी यहाँ पर यूथ रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हिली एरियाज में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इन लोगों को यहाँ पर क्या है माइग्रेट करना पड़ता है। क्या है? माइग्रेट करना पड़ता है। क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि इन लोगों का कहना यह है कि हमको यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो जब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है तो ऑब्वियस सी बात है लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, कौन? पुष्कर सिंह धामी जी, ये जो हैं ये अभी हाल ही में यहाँ पर क्या बने हैं, एक बार फिर से सीएम बने। तो इन्होंने बोला कि हम इस चीज को क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे। अच्छा, तो क्या ऐसे ही बोल दिया था? जी नहीं, जब चुनाव का वो मैनिफेस्ट आता है ना, वो जो एक पर्चा तैयार होता है जिसके ऊपर सारी बातें लिखी होती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे ये करेंगे, तो वो मैनिफेस्ट जो होता है उसके ऊपर लिखा था कि हम इस योजना को लॉन्च करेंगे। तो अब जाके इस योजना को लॉन्च किया गया ताकि एक्स सर्विसमैन और यूथ जितना भी है वो अपने अपने घरों को छोड़कर ना जाए, जहां रहते हैं वो वहीं पर रहें, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए पैसा मिला है, तो मैम पैसा कितना मिला? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट यहां पे इतना अमाउंट जो है ये उत्तराखंड की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इसका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यूथ को बढ़ावा देने के लिए यहां पर एक पर्सन को एम्बेसडर भी बनाया गया, और वो एम्बेसडर कौन है? भैया, यानी कि अक्षय कुमार को यहाँ पे अपॉइंट भी किया गया एज अ एम्बेसडर। चलो अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें करेंगे। पहला पॉइंट बताओ, उत्तराखंड के बारे में कौन बताने वाला है? भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है? उत्तराखंड के बारे में पहला पॉइंट जो उत्तराखंड के बारे में, वो तो यही है कि इसका फॉर्मेशन कब होता है, 9th of November 2000 को इसका गठन होता है। किससे अलग होके बना? यूपी से अलग होके बना। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। उसके बाद में इसका जो नाम है उसको चेंज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। मैंने इसके अंदर एंग्लो इंडियन को ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए है वो ये है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सीटें 5 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कितने हैं? तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको 13 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं। अगला पॉइंट आपसे बनेगा भीमताल और नैनीताल। क्या है? भीमताल और नैनीताल, ये दोनों के दोनों आपको यहीं पर मिलेंगे। देखो नैनीताल ये बटर नान नहीं है, नान लिख दिया तो वहाँ कन्फ्यूज दिया जाए, ओ माय गॉड बेटा ये नैनीताल है, ठीक है? ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक के नाम से इसको जाना जाता है। झोरा और चोलिया डांस, झोरा और चोलिया डांस, तुम्हें कौन सा वाला पसंद है इसमें से डांस फॉर्म? ये दोनों के दोनों डांस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। और अभी हाल ही में आपको याद होगा फूल देई फेस्टिवल जो है वो भी यहीं पर सेलिब्रेट किया गया। तो ये तो बातें क्या है, अच्छा पूरी कहानी लिख दी उत्तराखंड की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अच्छा अब बताना, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसको उत्तराखंड के अंदर ही लॉन्च किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये मंत्रालय था। अगला सवाल, यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अभी हाल ही में इनका जो सेकेंड टर्म है वो स्टार्ट हुआ है। गवर्नर कौन है यहाँ पर? मैं बताऊँ, गुरमीत सिंह जी हैं। इनका अपॉइंटमेंट भी अभी हाल ही में किया गया। अगला सवाल, एक्सरसाइज डस्टलिंग, ये जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज का भी आयोजन किया गया था, किसके किसके बीच में होती है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। कहाँ पे आयोजन किया गया था? यही उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन सा एडिशन था? तो ये 3rd एडिशन था जिसका आयोजन किया गया था। अगला सुनिएगा, किसान मोबाइल ऐप, इसको डेवलप किसने किया था? IIT रुड़की ने, IIT रुड़की ने इसको डेवलप किया था। और ये ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर ऐप आप देख रहे हो इसको हरिद्वार से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? हरिद्वार से। कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये आपको गंगा नदी के किनारे मिलेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात ये कर रहा है, किसके लिए था? यूथ के लिए। कहाँ से लॉन्च हुआ? देहरादून से इसको लॉन्च किया गया। चार धाम परियोजना, चार धाम परियोजना के अंदर क्या था कि एक कॉरिडोर बनाएंगे, क्या करेंगे? एक कॉरिडोर बनाएंगे, एक टनल बनाएंगे। कितने मीटर लॉन्ग? तो यहाँ पे इतने मीटर लॉन्ग टनल बनाने की बात हो गई। इसमें क्या क्या आएगा? केदारनाथ,
बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, ये आपको मिलेगा। इंडिया का सबसे पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? उत्तराखंड। लाइकन पार्क उत्तराखंड। बायोडाइवर्सिटी पार्क उत्तराखंड। फॉरेस्ट हीलिंग कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड। तो जितना भी ये फर्स्ट वाला है ना, ये सब होगा क्या? उत्तराखंड के अंदर। आह, ये देखो आई अपनी प्यारी सी बटरफ्लाई। सुनना, कैसी लग रही है पहले ये बताओ। अच्छी लग रही है ना। ये वुड की तरीके से है, लकड़ी लड़की नहीं, लकड़ी जो होती है लकड़ी, उसी के तरीके से आपको मिलेगा। तो आइए जरा बात करते हैं इस बटरफ्लाई के बारे में। सवाल, रेयर बटरफ्लाई पाम किंग, ये क्या है? इसका नाम पाम किंग, मतलब इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है। हमारी जो हथेली होती है ना, जो हमारा पाम होता है, इसके ऊपर भी ये इजिली बैठ सकती है, इतना बड़ा इसका साइज होता है। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है? पाम किंग के नाम से इसको जाना जाता है। काफी सालों के बाद में पहली बार इसको अभी हाल ही में कहां पर देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु के अंदर अभी हाल ही में इसको देखा गया है। एक ऑप्शन लिखा हुआ है सिलीगुड़ी, राइट? मुझे बस फटाक से एक बार से आंसर करके बता दो कि सिलीगुड़ी के अंदर, कल मैंने तुमको एक एक्सरसाइज पढ़ाई थी, एक्सरसाइज का नाम एक बार से बस बता दो। चलो जल्दी से बताओ। आइए बात करते हैं इस बटरफ्लाई के बारे में। खूबसूरत तो लग रही थी वैसे, है ना? चलो समझना, अरुणाचल की बटरफ्लाई में पहुंचा दी हो तुम लोग। अरे भैया सुनो, सबसे पहला पॉइंट, ये जो आप बटरफ्लाई देख रहे हो, इसके करीबन इतनी स्पीशीज ऑल ओवर द इंडिया के अंदर मिलती हैं। ये जो पर्टिकुलर बटरफ्लाई है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही है, ये आपको म्यांमार में भी मिलेगी, ये आपको चाइना के अंदर भी मिलेगी, और ये आपको बांग्लादेश के अंदर भी मिलती है। अगला पॉइंट समझिएगा कि पहली बार जब इसकी खोज की गई थी तो 1891 में की गई थी, पहली बार, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। उसके बाद में इसको देखा गया था 2007 में, और तब से जाके अब 2022 में इसको तमिलनाडु के अंदर देखा गया है। चलो ठीक है, ये जो आप बटरफ्लाई देख रहे हो, ये कहाँ पर रहती है? तो ये पाम के जो पेड़ होते हैं या फिर कोकोनट के जो पेड़ होते हैं उन पे भी रहती है। मैंने अभी आपको बताया ना, इसका साइज छोटा सा है, तो ये हमारे पाम पे भी बैठ सकती है, इसीलिए भी इसको क्या कहते हैं? पाम बटरफ्लाई। और ये कौन से पेड़ों पर रहती है? तो पाम नाम के जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे से, उन पर भी आपको ये देखने को मिलेगी, इसीलिए इसके नाम में पाम शब्द लगा हुआ है। अगला पॉइंट, अगर कहा जाए कि ये जो पर्टिकुलर बटरफ्लाई है ये कौन से एरिया में पाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में ये पाई जाती है। वेस्टर्न घाट आप सबको पता है कि दिस इज द लार्जेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ये सवाल पेपर में आ चुका है। अगला पॉइंट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पे आपको कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट का कौन सा हिस्सा है, तो आप कहोगे हरिश्चंद्र रेंज। क्या है? हरीश चंद्र रेंज, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ? ये देखो, अभी पेपर के अंदर सवाल पूछा गया था, अभी ये पेपर आपके एसएससी में सवाल आया था, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ से और क्या सवाल बनेंगे बताइए। लार्जेस्ट, ये देखो क्या लिखा है मैंने, लार्जेस्ट बटरफ्लाई। गजिया, कभी कभी हमारे अंग्रेजी, ओके। लार्जेस्ट बटरफ्लाई पूछी जा रही है, इंडिया की पूछ रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं पूछ रहे हैं। ये है गोल्डन विंग। कौन सी है? गोल्डन विंग। कहाँ पर पाई गई थी? तो ये उत्तराखंड के अंदर पाई गई। अगला, केसरी हिंद, ये कहाँ की स्टेट बटरफ्लाई बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई बनी है। अगला सुनिएगा, स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख, लद्दाख का स्टेट एनिमल ही हम लोग लिखेंगे, यूटी एनिमल नहीं लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नो लेपर्ड, अभी हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया। ब्लैक पैंथर कहाँ पे पाए गए थे या कहाँ पर देखे गए थे? तो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हाल ही में इसको देखा गया था। चलो अगला सुनना, बटरफ्लाई के लिए सेंसस किसने करवाया था? केरला ने करवाया था, ठीक है। कहां पर कराया था? आंध्र प्रदेश के अंदर इसको करवाया गया था। कौन सा वाला नेशनल पार्क हो जाएगा? कौन सा होगा, कोई बताएगा? पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा है? पापीकोंडा नेशनल पार्क, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे बटरफ्लाई के बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो इंडिया के टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको स्टेट बटरफ्लाई मिलती है, और अगर हम लेटेस्ट के 2 की बात कर लें तो वो है
तमिलनाडु और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों के दोनों आपको मालूम होने चाहिए। समझ गए हो यहाँ तक? चलो अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर अगली न्यूज़। यहाँ से गाइस हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भैया तुम लोग बड़े लोग हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये देखिए, रीअपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है। अच्छी बात है, हमको नया नाम नहीं याद करना पड़ेगा। चलो जानते हैं यहाँ पर सवाल, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के लिए, किसका अपॉइंटमेंट एक बार फिर से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा इकबाल सिंह लालपुरा का अपॉइंटमेंट किया गया है। ये पहले से ही इसके चेयरपर्सन थे, सिर्फ इनके टाइम पीरियड को बढ़ाया गया और दोबारा से इनको बैठाया गया। तो हटाया क्यों था मैम, जब दोबारा से बैठाना था? तुरंत तुम्हारे दिमाग में यही आता है, आओ समझाएं। सुनो हुआ क्या था, हुआ यहां पर ये था कि ये जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, जितने भी नेशनल कमीशंस होते हैं, अपॉइंटमेंट यहां पे हमेशा कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये कैबिनेट के द्वारा किया जाता है और प्रेसिडेंट यहां पर इसको फाइनलाइज करता है। चलो ठीक है, अब यहां पर ये जो इकबाल जी हैं, ये हैं एक आईएफएस ऑफिसर। कौन है ये? एक आईएफएस ऑफिसर। इनका अपॉइंटमेंट दोबारा से एज अ चेयरपर्सन किया गया। तो पहली बार इनका अपॉइंटमेंट कब किया गया था? सितंबर 2021 में पहली बार इनका अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। काहे के लिए इस्तीफा क्यों दे दिया? इस्तीफा क्यों दिया बताओ? अच्छा, इस्तीफा क्यों दिया मुझे बस ये जानना था। देखिए, इस्तीफा इन्होंने दिया क्योंकि इनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना था। इन्होंने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने क्या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए रोपर वाली जो असेंबली सीट थी वहां से इन्होंने इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया। और जब इन्होंने इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद में यहां पर क्या हुआ, ये इलेक्शंस में हार गए। हार गए तो भाई दोबारा से अपनी कुर्सी पे वापस आना चाहते थे, तो बस यहां पर इसी के चलते इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है। बस ये ध्यान रखना, नाम हमें दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ये बनाई कब गई है? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई भी संवैधानिक इकाई नहीं है, क्योंकि ये किसी अनुच्छेद किसी आर्टिकल के अंदर नहीं दी गई है। हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी कौन कौन से होते हैं? अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी कौन कौन से हो जाएंगे? मुस्लिम है, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट। ये लोग कौन हैं? ये लोग हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटी के लिए हैं, तो आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा? यहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 आपको देखने को मिलता है। अच्छा, और इससे जुड़े हुए क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन पॉइंट पे आते हैं। पहला, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, बताना शुरू करना। नेशनल कमीशन फॉर विमेन अगर पूछा जाता है कि ये कब बनाया गया, तब क्या बोलोगे? तो बोलोगे 1992 में बनाया गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसकी हेड कौन है? रेखा शर्मा प्रेजेंट टाइम पे इसकी हेड है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा है? ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सा? नेशनल वाला, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कब बनाया गया? इसको 1993 में बनाया गया। आप मुझे बताओगे कि इसके हेड कौन है? आप मुझे बताओगे इसके हेड कौन है? हम नहीं बता रहे। अगला, अगर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पूछा जाए, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप का है। कब बनाया गया? 2007 में। कहाँ रह गए भैया, आंसर नहीं आया? अरुण मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। एग्जैक्टली, क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन राइट कमीशन के हेड हैं इंडिया के अंदर। अगला, अगर कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात आएगी तो इसके हेड कौन हो जाएंगे? हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। और अगर यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पूछा जाएगा तो कौन है? विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। ये प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए जा चुके हैं। अच्छा, एक चीज और यहीं पे जान लो। अगला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। पहले क्या था ना, पहले ये दोनों एक ही कमीशन हुआ करती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 338 के अंदर इसको दिया गया। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर संविधान संशोधन किया गया। इसके अंदर संविधान संशोधन किया गया, कौन से नंबर का? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन से ईयर में? 2003 में। जिसके बाद में क्या हुआ, ये बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो आर्टिकल नंबर कितना है, और अगर इसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर कितना है, ये है। अब बोलोगे मैम व्हाट अबाउट ओबीसी, ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो उनके लिए आर्टिकल कौन सा है, दैट इज दिस वन। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ से आपके लिए स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती हुई, उसके बाद में हम लोग एक बुक पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पीएनबी के बारे में। ये कौन है, जानते ही हो तुम लोग, बताओ। अभी हाल ही में आइसलैंड के अंदर एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ठीक है, आइसलैंड के अंदर एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का नाम क्या है यहाँ पे, रिकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट। अब बताओ जरा कौन जीता है, ये है कौन, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, प्रज्ञानंदन। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या, प्रज्ञानंद इज द करेक्ट आंसर। चलो जरा इनके बारे में जानते हैं हुआ क्या। आइसलैंड जो है ना बेटा, इसकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, इसकी कैपिटल है यहाँ पे रिकजेविक, ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पे चेनिस का एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, और इस टूर्नामेंट को किसके द्वारा जीता गया है, यहाँ पर इसके द्वारा जीता गया। तो हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, अरे भाई सिर्फ 16 साल का है, ही इज ओनली 16 ईयर्स ऑफ द एज, सिर्फ और सिर्फ ये कितने साल का है, 16 साल का है, और यहाँ पर इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो ताली शाली बजाओगे कि ना बजाओगे, हाँ चलो अच्छा, ये तो बात हो गई कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे के पूरे अगर हम ग्रैंड मास्टर सारे के सारे मिला दें तो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो सबसे अगर हम यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें जो कि इंडो अमेरिकन है, उसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, क्या नाम हो जाएगा उसका, वो जो 12 साल का बच्चा था, बताओ आजकल कितने कलाकार हैं, 12 साल का बच्चा था जिसका नाम था अभिमन्यु, नहीं देखो नाम ही ऐसा है उसका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये हो गया यंगेस्ट, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये टूर्नामेंट जीता गया है। चलो अब आते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की सबसे पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी, फीमेल, इंडिया की पहली ग्रैंड मास्टर फीमेल, तो ये कौन हो जाएंगी, विजय लक्ष्मी जी। ठीक है, ये वो वाली विजय लक्ष्मी जी नहीं है, दूसरी वाली विजय लक्ष्मी जी हैं। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, इंडिया का यंगेस्ट मैंने बोला है, तो यहाँ पे इनका नाम क्या बनेगा, इनका नाम होगा गुकेश डी। क्या नाम है, गुकेश डी। इनकी एज कितनी है, तो इनकी एज है 12 साल 7 महीने। ध्यान से सुनना, जैसे होता ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, बिल्कुल वैसे ही है, 17 दिन, इतनी अभी इनकी एज है, और ये है हमारे देश के कौन, यंगेस्ट पर्सनालिटी। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद जी। सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, विश्वनाथन आनंद जी को ग्रैंड मास्टर का दर्जा कब मिला है, 1988 में दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में 23rd नंबर की फीमेल ग्रैंड मास्टर, ये सवाल तुम्हारे पेपर में छपेगा, कौन बनी है अभी हाल ही में 23rd नंबर की ग्रैंड मास्टर इंडिया की कौन बनी है, तो ये है प्रियंका। कौन है, प्रियंका, अभी हाल ही में जीती। तो ये रहा आइसलैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसलैंड की कैपिटल मैंने आपको बताई दी है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वॉल्केनो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज अ नॉर्डिक कंट्री। ठीक है, दिस इज अ नॉर्डिक कंट्री। चलो अब मुझे आंसर करके बताना, पहला सवाल फाइट, फाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसके अंदर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया जाएगा, विश्वनाथन आनंद जी को अपॉइंट किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। दूसरा सवाल, टाटा मास्टर्स किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन के द्वारा इसको जीता गया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, 73rd ग्रैंड मास्टर कौन है, 73rd ग्रैंड मास्टर कौन है, ये हमारे यहाँ के लेटेस्ट वाले हैं। ठीक है, भारत सुब्रमण्यम, कौन है, भारत
सुब्रमण्यम। अगला लेटेस्ट गर्ल जो मैंने अभी आपको बताया, इसका नहीं बताया, कहाँ रह गए, मैस्कॉट वगैरह बता दिया, बहुत बढ़िया। दिस इज रोशनी। ओहो अच्छा अच्छा, नहीं जो डे सेलिब्रेट हुए अभी क्लास के आखिरी में बताएंगे बोला तो, शुभू नव बोर्ष मैम। अरे भाई मेरे को बंगाली नहीं आती बट कोशिश करते हैं, चलो बताओ ये इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पे बनेगा प्रियंका नोटाकी, ठीक है, प्रियंका नोटाकी ये नाम है इनका, जो अभी हाल ही में यहाँ पर 23rd नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी। कुनेरू हम्पी, इनका नाम भी जुड़ा हुआ है चेस से और ये वर्ल्ड में नंबर वन चेस प्लेयर के रूप में भी जानी जा चुकी हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला 72nd ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया था, मित्रबा गुहा, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगला 71st ग्रैंड मास्टर किसको चुना गया था, संकल्प गुप्ता, क्या नाम था, संकल्प गुप्ता को चुना गया था। 78th ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करें तो कौन है, राजा ऋत्विक, कौन हो जाएगा, राजा ऋत्विक। तो ये वो नाम है गाइस जो आपको यहाँ पे रट्टोफाई कर रहे हैं। किताब जब आती है ना तो हमेशा याद रखना हमें वन लाइनर, ओनली द वन लाइनर पॉइंट, किताब का नाम और इसके राइटर कौन है। हेयर योर सेल्फ, अपने आप को सुनो, अपनी आत्मा को सुनो। अच्छा ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बस इतने ही तुम्हारे सवाल में बनेगा, पूछा जा रहा है हेयर योर सेल्फ नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर बनेगा प्रेम रावत जी के द्वारा। सुनो इन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा, हेयर योर सेल्फ, अपने आप को आप सुनिए, और इनका नाम क्या है, प्रेम। अब प्रेम और अपने आप को सुनना दोनों में कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस किताब के अंदर बताया गया है कि आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो कैसे बाहर आ सकता है। इस किताब के अंदर बताया गया है कि भाई साहब हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं हमें उन सभी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। भाई ऐसे कौन करता है, तुम ही बताओ ऐसे कौन करता है, हैं? तो यहाँ पर इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, सेल्फ पोटेंशियल के बारे में, ओन पोटेंशियल के बारे में बताया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जो किताब है ये 5 लैंग्वेजेस में स्टार्ट की गई है, बस ये इतना याद रख लेना, दिस हैज बीन स्टार्टेड इन 5 लैंग्वेजेस, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो हमारे पेपर में आए। हाँ जी आइए यहाँ पे बात करेंगे, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये किताब किसकी है, विनोद राय। कौन है ये, विनोद राय, इनकी ये किताब है, ये BCCI के अंदर काम कर चुके हैं तो इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी जो है वो इसके अंदर बताई है। अगला टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड ये वो किताब है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइस के लिए जिसको नॉमिनेट किया गया है, पहली बार किसी हिंदी नॉवल को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। ये किताब किसकी है, गीतांजलि श्री की ये नॉवल है। अगला यहाँ पे ये कौन है, भाई ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी। एक किताब को इनके द्वारा लॉन्च किया गया, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, क्या थी, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये जो किताब है ये बिरसा मुंडा जी की लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस किताब को लिखा किसने है, तो प्रोफेसर आलोक चवाल जी के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है ये नाम याद रखना। अगला ये कौन सी किताब है, तो ये नीति आयोग और साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की थी, इंडियन एग्रीकल्चर, क्या था, इंडियन एग्रीकल्चर, और ये कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहा है, 2030 की ये बात कर रहा है, ठीक है। हाँ जी ये लीजिए आज की अपनी आखिरी न्यूज आती हुई और ये है PNB का स्थापना दिवस, ठीक सुनिएगा बात करेंगे, सिंपल वन लाइनर, 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, हमारे देश का सबसे पहला स्वदेशी बैंक। इंडिजिनस शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या है, मेक इन इंडिया, जो चीज़ हमारे देश के अंदर बनाई जा रही है, राइट। यहाँ पर स्वदेशी बैंक का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बैंक जो कि किसी भारतीय ने खोला था और वो आज तक चलता चला आ रहा है। आप में से कौन कौन है जिनके बैंक में अकाउंट है, PNB वाले में, चलो अब जरा इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारे देश का खोला गया था वो था कौन सा, PNB। अब ये जो PNB बैंक की हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, इसको बनाया कब गया था, तो 12 अप्रैल को इसको बनाया गया था, तो ऑब्वियसली बात है 12 अप्रैल को इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। दूसरा पॉइंट, इसको बनाया किसने था, तो हमारे देश के द ग्रेट पर्सनैलिटी या ग्रेट फ्रीडम फाइटर जिनका नाम क्या था, लाला लाजपत राय जी, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। थर्ड पॉइंट,
यहाँ पे जब भी लाला लाजपत राय जी का नाम आएगा तो इनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा गया क्या ये हमारे देश का पहला स्वदेशी बैंक है, जी हाँ। वाई हम ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? हम ये शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश का खुद का था, खुद का फंक्शनिंग थी इसकी, तो ये हमारे देश का सबसे पहला स्वदेशी बैंक यहाँ पर खोला गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी इसने कुछ बैंक ने कुछ डेवलप किया है क्या, जी हाँ, अभी कार्डलेस हो चुका है, मतलब पहले इनके पास में ये सुविधाएं नहीं थी, अभी हाल ही में इनके पास में सुविधा आई है कार्डलेस, और इनका खुद का अपना ऐप भी है, जैसे कि SBI का यूनो है ना, वैसे इनका अपना खुद का ऐप भी है। और अगर हम ऐप की बात करें तो वो क्या है यहाँ पे, PNB1, क्या है यहाँ पे, PNB1 इनके ऐप का नाम रखा गया है। अब PNB की स्थापना कब हुई, 1894 में। इसका प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, दिल्ली के अंदर मिलेगा। कहाँ? दिल्ली के अंदर आपको प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। प्रेजेंट टाइम के इसके CEO कौन है, अतुल कुमार गोयल, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम के इसके CEO हैं। अगर कहा गया टैगलाइन, मैम टैगलाइन तो हमें सिर्फ एक ही की याद है, वो है HDFC बैंक की, है ना, बट ये दूसरा बैंक है जिसकी आपको टैगलाइन याद करनी पड़ेगी, और इसकी टैगलाइन क्या है यहाँ पर, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हाल ही में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए उनके बारे में एक बार से बात कर लेते हैं। रोंगाली बोहाग बिहू फेस्टिवल, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये आसाम के अंदर स्टार्ट किया गया है। 2 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 12 से लेके 14 अप्रैल के बीच में, ये न्यू ईयर है, या हम इसको हार्वेस्टिंग ईयर के नाम से भी जान सकते हैं। अगला, पीएम के द्वारा पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। मैंने आपको बताया था ये पीएम संग्रहालय वो संग्रहालय है, वो म्यूजियम है जिसके अंदर हमारे देश के अभी तक टोटल 14 पीएम रह चुके हैं, तो इन सब के बारे में, इन सब की लाइफ के बारे में यहाँ पे दर्शाया जाएगा। बट यहाँ पे जो लोगो बना हुआ है, यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे जो लोगो बना हुआ है, ये लोगो क्या दर्शाता है, धर्म चक्र। आगे समझ ही गए होंगे कि हम किसके नाम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म। धर्म चक्र को यहाँ पे दर्शाया गया है इस लोगो के अंदर। यही सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम कोई भी पेपर आने वाला देख लेना। विशु फेस्टिवल केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी न्यू ईयर है। बैसाखी कहाँ, पंजाब के अंदर, ये भी हाल ही में आपने देखा था, 13th of April पढ़ाया था। अगला, हैप्पी पोहेला फेस्टिवल कहाँ पर होता है, पोहेला फेस्टिवल बताओ कहाँ पर होगा, तो ये होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, ये बंगाली न्यू ईयर है। अगला, पना संक्रांति ये कहाँ का होगा, तो ये ओडिशा का फेस्टिवल है, और इसे भी हम न्यू ईयर फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, आई होप कि आपने हर एक पॉइंट को लिखा होगा और हर एक पॉइंट को प्रॉपरली नोट डाउन करने के बाद में आप उसका रिविजन भी करोगे। कल सुबह रहेगा वीकली MCQ, तो प्लीज़ प्रॉपर अपने वीक का हर एक कॉन्टेंट को रिवाइज करके आइएगा। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं हर पेपर को कवर करती है, सो प्लीज़ हैप्पी फेस्टिवल्स टू ऑल। और यहाँ पर आज कोई भी आपका स्पेशल क्लास नहीं है, आपको प्लस के बैचेस के बारे में बता दें, कल तक आपके लिए ऑफर चल रहा था, अब अभ्यास बैच या फिर सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैचेस स्टार्ट हुए जहाँ पर आप अपना सवाल पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, और 24th of April को आपका टेस्ट है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ कोड वो पूछेगा, नाम तो मालूम है, बस यहाँ पे ये नाम लिख के आगे 10 का यूज़ करके और तुम इसको फ्री में टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है, ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। इसके अलावा आप अपने सवालों को स्क्रीनशॉट लेके भी पूछ सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप अपलोड कर सकते हो और यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। रेज योर हैंड का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन जब आप प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे 1 साल 2 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है Kriti10, जिसके बाद में ये जो अमाउंट है ये आपका 10% डिडक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आप ईजली BTS के कॉन्सर्ट में कौन कौन चल रहा है साउथ कोरिया के अंदर, बेटा टिकट भिजवा दो हम चलने हैं। जब ही बात करते हैं भैया जमीन पे तो पैर ही नहीं रहते हैं तुम लोग के, बातें हमेशा हवा में होती हैं, कौन
कौन कौन चल रहा है बीटीएस के कॉन्सर्ट में, साउथ कोरिया है बगल वाले, अगर पड़ोसी के यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट हो जाए, अगर कोई भी कहते कि अच्छा आज हमारे यहाँ पे दावत है आइएगा जरूर, तो नहीं जाएंगे वहाँ। बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी गजब ही करते हो तुम। चलो अच्छा मैम आपने बताया नहीं चंबा कितनी दूर है, गाना सुनो मैं क्यों बताऊं। चलो तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड द कोड विल बी क्रतिते, जहाँ पे आपका ये अमाउंट 10% डिडक्ट हो जाएगा। और ये आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है कहाँ पर, अनअकैडमी पे, जहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। ये कब तक है, 30 अप्रैल तक है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन द कोड इज क्रतिते, ठीक है। चलो तुम लोग की बातें और तुम लोग रिपोर्ट एंड वेन, चलो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग। जितने बच्चों का आज पेपर है, विश यू वेरी 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 वेल, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा एंड पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।